हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर लोकेश अमान। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि विटामिन डी हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी होता है, शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर क्या लक्षण होते हैं, और ये भी डिस्कस करेंगे कि शरीर में विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। विटामिन डी एक फैट सोलुबल विटामिन है। विटामिन डी हमारे शरीर में हड्डियों, दांतों और शरीर की मांसपेशियों को मजबूत व स्वस्थ बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा विटामिन डी शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो इसकी वजह से आपका शरीर भोजन से कैल्शियम का अवशोषण अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपके शरीर में विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम की कमी भी हो सकती है। पर्याप्त मात्रा में धूप में न जाने की वजह से और सनस्क्रीन लोशन का ज़्यादा उपयोग करने की वजह से शरीर में विटामिन डी की कमी हो सकती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर क्या लक्षण हो सकते हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर शरीर की हड्डियाँ कमजोर हो सकती हैं, और शरीर की हड्डियाँ कमजोर होने की वजह से हल्की सी चोट या गिरने की वजह से भी हड्डियों में फ्रैक्चर हो सकता है। दांतों की जड़ें कमजोर हो सकती हैं और दांत भंगुर होकर टूट सकते हैं। इसके अलावा शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर शरीर में बहुत ज़्यादा थकान व कमजोरी होने की समस्या भी हो सकती है। विटामिन डी की कमी की वजह से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, और शरीर की इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से कोई भी बीमारी या कोई भी इन्फेक्शन आपको आसानी से बीमार कर सकता है। बार बार सर्दी जुकाम होना और बार बार बुखार होना शरीर में कमजोर इम्यूनिटी के लक्षण हो सकते हैं। बालों का झड़ना, कमर में दर्द रहना, डिप्रेशन, वैसा हुआ चिड़चिड़ा रहना, बात बात पर गुस्सा आना, कोई चोट लगने के बाद घाव को भरने में लंबा समय लगना और शरीर के जोड़ों व हड्डियों में दर्द रहना आदि लक्षण शरीर में विटामिन डी की कमी की वजह से हो सकते हैं। शरीर में विटामिन डी की कमी का पता ब्लड टेस्ट की मदद से भी लगाया जा सकता है। अब हम डिस्कस करें कि शरीर में विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। सूरज की धूप के संपर्क में आने के बाद हमारा शरीर खुद ही विटामिन डी को बना लेता है, इसलिए शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए आपको हर रोज 15 से लेकर 20 मिनट सुबह की धूप में बैठना चाहिए। इसके अलावा शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए दूध, दही, अंडे का पीला भाग, संतरे का जूस, मशरूम, पनीर और मछली आदि का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए, क्योंकि इनमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शरीर में विटामिन डी की कमी को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स की मदद से पूरा किया जा सकता है। विटामिन डी टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन और ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में अवेलेबल है। विटामिन डी के सप्लीमेंट को लेने से पहले आपको डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी एक फैट सोलुबल विटामिन है, और विटामिन डी को ज़्यादा डोज में लेने से सीरियस साइड इफेक्ट हो सकते हैं। विटामिन डी को प्रतिदिन कितनी मात्रा में लेना चाहिए, इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका विटामिन डी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।